हेलो एवरीवन, वेलकम टू शमीम्स किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार 10 मिनट्स में बन जाने वाली डिज़र्ट रेसिपी। और इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है और ये इतना टेस्टी बनता है कि एक बार आप बना लेंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आइए इस माउथ मेल्टिंग डिज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में एक गिलास दूध ले लेंगे, तकरीबन ये 300 ml के करीब है। अब इसमें एक टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और इसी के साथ ऐड कर देना है एक टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। और अगर कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर कोको पाउडर या फिर चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप डेरी मिल्क चॉकलेट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो बस इसमें अब बॉयल आ चुका है और अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इसे टोटल 3 से 4 मिनट लगा है बॉयल होने में, तो अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमने एक बोल लिया है और इसमें 1 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देना है। और ये व्हिपिंग क्रीम जो है मीठा है, तो इसमें शक्कर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके व्हिपिंग क्रीम में शक्कर नहीं है तो आप 1 टीस्पून पाउडर्ड शुगर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे, आप इसकी जगह चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसे इलेक्ट्रिक बीटर से 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसे सिंपली हैंड विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं। और जब आप हैंड विस्कर का इस्तेमाल करें तो क्रीम को फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए रख लें और उसके बाद इसे बीट करें। तो अब देखिए यहाँ पर क्रीम अच्छी तरह से व्हिप्ड हो गया है। और यहाँ पर हमने रस्क लिया है, तो ये जो कॉफ़ी वाला दूध बनाया था इसमें अच्छी तरह से डिप कर देंगे और जो एक्स्ट्रा दूध होगा उसको निकाल देंगे। और अब इसे एक डिश में असेंबल कर लेंगे और बाकी रस्क को इसी तरह से दूध में डिप करके एक लेयर बना लेंगे। और जहाँ पर हमें लगता है कि रस्क ने दूध कम अब्सॉर्ब किया है तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डाल देंगे। और अब इसके बाद जो हमने व्हिप्ड क्रीम तैयार किया है उसको इसके ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे। और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए रस का दूसरा लेयर भी लगा देंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दूध डाल देंगे, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है वरना ये रनी बन जाएगा। और अब टॉप पर क्रीम को अच्छी तरह से इवनली चारों तरफ फैला देंगे। तो फाइनल टॉपिंग के बाद हमें एक सिंपल सा डेकोरेशन कर लेना है, जिसके लिए यहाँ पर हमने चॉकलेट सिरप लिया है। और अब अपनी पसंद से कोई सा भी डिज़ाइन बना लेंगे जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से चॉकलेट सिरप को रैंडमली ड्रिजल कर सकते हैं कहीं पर भी थोड़ा थोड़ा सा। और बस अब एक टूथपिक ले लेना है और इसे किसी भी डायरेक्शन में घुमा देंगे, एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से घुमाते हुए कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं जो दिखने में अच्छा लगेगा। तो ये डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा माउथ मेल्टिंग बना है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से हमें पैटर्न बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही यमी और डिलीशियस डिज़र्ट बनकर तैयार हो गया है। और अब इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। और 1 से 2 घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, उसके बाद आप इसे निकाल कर सर्व कर सकते हैं। और 2 घंटे के बाद हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और इस वक्त आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस डिज़र्ट को बनाने के बाद आप मुझे ज़रूर याद करेंगे और बच्चों को तो ये बेहद पसंद आता है। तो इस डिज़र्ट को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।